बचाएं, बूढ़े जवान बच्चे तो हो गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं मुर्गी पर। मुर्गी, बकरी, अंडा, मछली, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कोरोना आएगा किस पर? सब्जी पर। रेस्टोरेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि इस महामारी, इस प्रॉब्लम में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेटर होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे। बट अचानक से मेरे मन में एक छोटा सा थिंकिंग आया कि जो विचार है उस विचार को आप तक पहुंचाया जाए। पता नहीं वो कैसा है, नहीं है, बट बात करने का मन किया। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस मैटर पे कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। अगर बेटर लगे, अच्छा लगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको लगा और इसमें क्या कमियां थी। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे सिचुएशन अभी चल रहा है ना, तो उसको देख करके थोड़ा अजीब तो लगता ही है, बट क्या करें। एक ज़माना था जब लोग एक विश्वास का बंधन बांध कर चलते थे, मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे, कभी लोगों से नफ़रत और छुआछूत की भावना नहीं रखते थे। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कभी लोगों से छुआछूत और फिर देखा जाए तो नफ़रत की भावना कभी नहीं रखी, और हमारा भारत एक महान देश कहलाता था। लेकिन अब ज़माना ऐसा हो गया है, ज़माना ने ऐसा रुख ले लिया है कि आज लोग विश्वास और मदद का नाम भूल चुके हैं। लोगों के अंदर का विचार भी कड़वा हो चुका है। इंसानियत मर चुकी है। आज इंसान इंसान से नफरत करने लगे हैं। लोगों को मारने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो। ठीक है, भले ही वो अलग अलग तरीके हो, लेकिन निकाला तो जा ही रहा है। ठीक है, विकास के नाम पर देश को खोखला कर रहे हैं। ये भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आज भारत में हर तरफ अंधविश्वास, लूट मार और बहुत तरह के डिफरेंट सिचुएशन का जो है ना, वो कोहराम मचा हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा भारत ही एक ऐसा देश है, बड़ा अजीब, कहने में थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन कहना बनता है, कि भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ पर कि अलग अलग तरह से बीमारियों को मॉडिफाई करके लोगों तक पेश किया जाता है। मतलब ये बीमारी, वो बीमारी, मतलब उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से उसको बना बना करके लोगों तक पेश की जाती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, डिफ़िकल्टीज़ में हो, और वो सोचे नहीं कि यार करना क्या है, नहीं करना है, कुछ नहीं, बस वो उलझे रहे, अपने आप में ही उलझा रहे और फिर वो भूल जाए व्हाट्स माई राइट, मेरा अधिकार क्या है या फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो भूल जाए। जैसे कि आज हमारे पूरे कंट्री में हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उलझ चुके हैं 2 साल से। वो यार बीमारी से प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम, वो से प्रॉब्लम, उसी में वो उलझा हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना बीमारी, तो कोरोना की बीमारी जो अभी चल रही है, तो उसके नाम पर आज देश में, जो पूरा देश के अंदर जो है ना, वो नफ़रत आ चुकी है, नफ़रत की बाढ़ आ चुकी है ना। आप देखेंगे कि इस कोरोना की वजह से अगर किसी को हो जाता है तो वो पिता माता को नहीं पहचानते, या भाई भाई को नहीं पहचानता, बहन बहन को नहीं पहचान, सब दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या सिस्टम है यार? हाँ, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि अगर ये टच होता है दूसरे को भी हो जाता है। ठीक है, बट थोड़ा सा सोच कर देखेंगे तो कितनी नफरत हो रही है आज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गलत नहीं कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा ना, तो वो नफरत और फिर लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, नफरत से ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेटली आज वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक छोटा सा ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि क्या हमारे भारत के डॉक्टर इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें भविष्य पता है? उन्हें भविष्य के बारे में बिल्कुल पता है कि हमारे कोरोना में पहली बार पहली लहर आई तो वो किस पर आई? बूढ़ों पर आई। दूसरा किस पर? जवान पर आया। तीसरा किस पर? बच्चे पर आएगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा माई डॉक्टर्स दैट, कि आपको कैसे पता चला कि यार ये जो है थर्ड लहर जो आएगी वो बच्चों पर ही आएगी? तो देखिए, इससे यहाँ गौर करने की बात है कि इससे सिंपली से पता ये चलता है कि उनको पहले से ये प्लानिंग की हुई है कि यार हाँ ठीक है, थर्ड प्लानिंग क्या है? बच्चों को टारगेट करना है, बच्चों पर लाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली से बात है कि यहाँ सरकार भी उनका हेल्प कर रही है। क्या है एक खेल नहीं तो क्या है? सरकार जनता के साथ बीमारी बीमारी खेल खेल रही है और जनता अस्पताल अस्पताल खेल रहे हैं। सबको उलझा कर बिल्कुल रख दिया गया है कि तुम ना आगे बढ़ पाओगे ना फिर तुम हमारा सामना कर पाओगे, है ना।
देश को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। उसके बाद सरकार को कैसे पता कि तीसरी लहर बच्चों पर ही आएगी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि उन्होंने पहले से प्लानिंग की है कि पहले मैंने बूढ़ों को पकड़ा, अब जवानों को, अब बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चों टारगेट लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो बिल्कुल प्लानिंग पर डिपेंड कर रही है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चल रही है ना। सरकार को पता है कि भारत की जनता अंधविश्वास की पुतली है और मोम की तरह कोमल है, जैसे उसको मोड़ेंगे वैसे वो मुड़ जाएगा। अरे देश की जनता, जागो 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 और अपने आप को अंधकार से बाहर निकालो, नहीं तो यह 60 साल की ज़िंदगी जो है ना बीमारियों से ही संघर्ष करते करते ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आएंगी, कोरोना आएगी, ब्लैक फंगस आएगी, बहुत सी ऐसी बनावटी बीमारियाँ आएंगी, हम संघर्ष करते रहेंगे, दूसरा अपना जीवन मज़े में जीता रहेगा और हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। मैं सरकार और जनता से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है, छोटा सा। कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में आया, आज चाइना कहाँ है? आपने कभी न्यूज में देखा उसको? चाइना आगे बढ़ चुका है और हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। चाइना में स्कूल चल रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सारे बिजनेस चल रहे हैं। भारत कोरोना कोरोना खेल रहा है, लड़ाई लड़ रही है, ठीक है, यहाँ सब बंद है, सब ख़त्म है, यहाँ पे टोटल बर्बाद हो चुका है। चाइना, अमेरिका, जापान, नेपाल, कई ऐसे देश हैं जहाँ कोरोना की दूसरी तीसरी लहर नहीं आई। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लहरों को लाया जा रहा है, कोरोना को अलग अलग तरह से मॉडिफाई करके जनता तक पहुँचाया जा रहा है। कुछ दिन बाद सुनने को मिलेगा कोरोना लहर 2.0, कोरोना लहर 2.1, कोरोना लहर 2.2, उसको इस तरह से मॉडिफाई करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ना। अभी तक तो सिर्फ ये इंसानों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम अगर चलता रहा तो फिर ये फिर से प्लानिंग होगी और प्लानिंग करके अब बोलेगा, अरे भाई अब तो बचा नहीं, बूढ़े जवान बच्चे तो हो गए, चलो अब स्टार्ट करते हैं मुर्गी पर, मुर्गी बकरी अंडा मछली, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कोरोना आएगा किस पर? सब्जी पर। चलो अब सब्जी का बारी है, सब्जी को लाते हैं, ठीक है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, चलो अब पानी का जो है वो टर्न है, पानी का बारी है, तो फिर देखा जाए तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। जब भी सरकार को ऐसी लगेगी कि हमारा सत्ता ख़त्म होने वाला है, चलो जनता को उलझाओ, जनता को आपस में फंसा दो और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, मैं जनता से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जाग जाइए, जागिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए और फिर अपने अधिकार को समझिए। इसमें सिर्फ गरीब मरते हैं और कोई नहीं। प्लीज़ जियो और जीने दो, अपना अपना ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है, कोई किसी पर रूल नहीं कर सकता। थैंक यू।